आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी की सिलेबस के बारे में, जो 12th यूपी बोर्ड के सत्र 2020-2021 के लिए जो यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू सिलेबस आपका डाल दिया है और 30% कम सिलेबस कर दिया है। तो 30% में जो कम हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ कम हुई है, कौन कौन से टॉपिक कम हुए, चैप्टर वाइज चैप्टर, यूनिट वाइज यूनिट जानते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली बायोलॉजी वालों के लिए है जो यूपी बोर्ड के 12th क्लास के छात्र हैं, केवल बायोलॉजी 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए। अब बोलते हैं एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आरबीएससी, ये वाले बच्चे कमेंट करते सर हमारा ही बताइए, जब उनका ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा क्या क्या कम हुआ तो उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है, कम जरूर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं यूपी बोर्ड के बायोलॉजी के बारे में, 12th क्लास की ये बायोलॉजी है जिसका 30% सिलेबस कम हुआ है, केवल मैं कम कम वाला बता रहा हूँ, अब बताऊंगा यूनिट कितने नंबर की आएगी। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूपी बोर्ड की बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो 12th क्लास की बायोलॉजी सत्र 2020-2021 के लिए कि बायोलॉजी में क्या क्या कम हुआ है। तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, ये बायोलॉजी की किताब होती है, तो देखिएगा पहले ये एक बार थोड़ा सा जान लो कि बायोलॉजी की किताब है, तो इसमें देखो ये यूनिट दे रखी है, जैसे एक यूनिट और यूनिट में आपका दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 चार चैप्टर दे रखे हैं, फिर दूसरी यूनिट इसमें 1, 2, 3 दे रखे हैं चैप्टर, ऐसे ही ये चौथी यूनिट इस तरीके से चैप्टर दे रखे हैं, एक एक यूनिट में 2, 2, 3, 3, 4 चैप्टर हैं। तो इस पूरी बायोलॉजी की यदि मैं बात करता हूँ तो उसमें आपके 5 यूनिट बनती हैं, 5 यूनिट में से हम बात करें एक यूनिट पहली यूनिट अब आपकी 14 नंबर की आएगी, जिसका नाम है यूनिट का जनन, और जनन ये यूनिट का जनन है, और इसमें भी चैप्टर जो है पहला जीवों में जनन, जीवों में जनन इस चैप्टर में से आपका ये टॉपिक हटा दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए देखिएगा, जीवों के प्रमुख लक्षण ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कहीं पर भी ये दिखाई दे रहा है आपको चाहे किताब में चाहे नोट्सों में, इसको क्रॉस मार देना, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इसको पढ़ना नहीं है। दूसरा जनन की विधियां, जितनी भी जनन की विधियां लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और बहुत सारी विधियां हैं, वो सारी की सारी खत्म कर देनी है, कई सारी विधियां, मतलब जीवों के जनन की विधियां सारी खत्म, कोई भी एक विधि भी नहीं पढ़नी है आपको। फिर आ जाती है पौधों में कायिक प्रवर्धन, ये नहीं पढ़ना है, और क्या है जीमेओल निर्माण, ये नहीं पढ़ना है, खंडी भवन या पुनर्दवन, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ध्यान समझ लेना, ये सारे के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, एक टॉपिक की परिभाषा भी नहीं पढ़नी है बिल्कुल। तो पहला यूनिट खत्म हो गया, दूसरे यूनिट की हम बात करते हैं, दूसरे यूनिट अब जो है इस समय दूसरी यूनिट आपकी 18 नंबर की आएगी, और दूसरी यूनिट का नाम है आपका अनुवांशिकी और विकास, अनुवांशिकी और विकास में हम बात करते हैं, तो ये जो टॉपिक कम हुए ये विकास नाम के चैप्टर से कम हुए, ठीक है, विकास चैप्टर से कम हुए, कौन क्या क्या चीज, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति में कई सारी हेडिंग है, वो सारी की सारी हेडिंग खत्म, मतलब जीवन की उत्पत्ति की कुछ भी नहीं बात करनी है। फिर बात करेंगे जैव विकास और इसके प्रमाण, इसमें भी ये बहुत सारी हेडिंग है, इसके साथ में ये कंप्लीटली खत्म, ठीक है, समझ में आई बात, जैव विकास फिर इसके लक्षण, इसके प्रमुख गुण, इसके प्रमाण, सारा कुछ खत्म। फिर उसके बाद में आ जाता है डार्विन का योग, ये खत्म, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये पूरी तरह से खत्म। फिर आ जाती है आपका विकास की वृद्धि, विकास की क्रियाविधि, विकास की क्रियाविधि में भी कई सारे टॉपिक आते हैं, जैसे उत्परिवर्तन, पुनर्योजन और इसकी प्रकृति, इसके प्रकार, तो ये विकास की प्रकृति मतलब पूरी तरह से ये खत्म, इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब ये मत ध्यान समझ लें, इन कॉपी पर लिख लो इनको, क्योंकि आपके लिए 70% की अलग से किताब छप के नहीं आएगी जिसमें आपको ये चीज़ 70% मिलेगा, उन्हीं किताब, तो 2020 की किताब है, 2019 की किताब है बायोलॉजी की, उसी किताब में से ये टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये चीज़ है। आगे देखिए जीन प्रभाव और हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण और मानव विकास, ये सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 आपकी 14 नंबर की आएगी अब, और हम उसकी बात करते हैं, इसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, या मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इस तरीके से। तो वही चीज है, इसमें क्या है आपका, देखो ध्यान से समझना कि आपका खाद्य उत्पाद में वृद्धि की हेडिंग, उसकी नीति क्या होती है, उसमें किस तरीके से सुधार होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, क्या उससे हानियां होती हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, तो ये पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फिर आ जाती है पादपों में जनन, पादपों में जनन की क्रियाएं क्या ही होती हैं, वो कोई भी एक भी क्रिया नहीं पढ़नी है।
ऊतक संवर्धन और एकल कोशिका प्रोटीन, ये क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन, मौन पालन। देखो ये सारे टॉपिक कोई भी कुछ नहीं करना है। मौन पालन का मतलब समझ रहे हो, मधुमक्खी पालन, पूरी तरह से इस पर बहुत बड़ी थ्योरी होती है मधुमक्खी पालन पर, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसी पशुपालन, पशुपालन पर भी आपकी कोई भी थ्योरी नहीं पढ़नी है, बहुत बड़ा है इसका, ठीक है, वो कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आते हैं देखो यूनिट तीन के बाद में यूनिट चार से कुछ भी नहीं हटाया, यूनिट चार यहाँ पे क्रॉस मार दीजिए, यूनिट चार पूरी की पूरी पढ़ें, क्रॉस मत मारो। यूनिट चार में से एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं किया है, वो पूरी की पूरी है। और यूनिट चार छोटी सी तो है ही, वो 10 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी यूनिट चार, 10 नंबर की आएगी। यूनिट पाँच की हम बात करते हैं, यूनिट पाँच पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, तो इसमें भी कई सारे चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर यानी पारितंत्र, पारितंत्र में से ये चीज खत्म कर दी है, संरचना घटक, यानी पारितंत्र की संरचना, पारितंत्र के घटक, इसकी उत्पादकता और इसके अपघटन, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आपकी बात आती है ऊर्जा, ऊर्जा में क्या है, ऊर्जा खत्म कर दी है, ऊर्जा प्रवाह खत्म कर दिया है, पारिस्थितिकीय पिरामिड, ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, उसमें जैव संख्या, ये कई सारी उसमें हेडिंग है, वो खत्म कर दिया। भार और ऊर्जा के पिरामिड ये भी खत्म कर दिए, भार और ऊर्जा के पिरामिड वो खत्म कर दिए। पोषक चक्र, यानी पोषक चक्र में भी बहुत सारी, पोषण किस तरीके से वो होता है, उसका पूरा बायोडाटा होता है, पूरा एक चक्र होता है, पूरी बहुत सारी थ्योरी होती है उसमें, पूरी तरह से खत्म, ठीक है। और पारितंत्र की सेवाएं, ये कम्प्लीटली खत्म है, ध्यान समझ लेना, ठीक है। कम्प्लीटली का मतलब ये समझ लेना, जहाँ जहाँ पर कम्प्लीट लिखा है उसमें काफ़ी सारी हेडिंग है, वो सारी की सारी खत्म। अब आगे, ये तो इस यूनिट का ये एक चैप्टर हो गया। एक दूसरा चैप्टर ये है आपका पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। तो पर्यावरण के मुद्दे यानी कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पूरी तरह से खत्म, कम्प्लीटली खत्म। कम्प्लीटली का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा, इसके लक्षण, इससे होने वाली हानियाँ, इसका पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है, इसके नियंत्रण के उपाय, किस तरीके से रोका जा सकता, तो पूरी तरह से ये ऐसे जो होता है इस टाइप का होता है, पूरी तरह से खत्म कर दिए दोनों। कृषि रसायन ये खत्म, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, और आपका ग्रीन हाउस प्रभाव समझ रहे, हरित गृह प्रभाव वो, और ये क्या है, विश्वव्यापी उष्णता, ये इसी में आता है, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ओजोन परत का क्षय जो हो रहा है वो किस कारण से, केमिस्ट्री में बताया था, ये वहाँ पर भी खत्म कर दिया, यहाँ पर भी खत्म कर दिया। वनोन्मूलन ये भी खत्म पूरी तरह से, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित कोई 3 केस स्टडी, कोई भी 3 केस स्टडी आती है, काफ़ी सारी लंबी थ्योरी होती है, पूरी थ्योरी होती है घोर, ठीक है, वो खत्म कर दिया है। तो ओवरऑल आपको समझ में चल गया होगा। और ये वाला जो यूनिट है, यूनिट 5 4 नंबर की है, ठीक है। पेपर पैटर्न की अलग अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अभी मेरे को मैथ की रह गई है, मैथ की वीडियो अभी आएगी, और फिर साथ में आपकी इंग्लिश की वीडियो भी जल्दी आएगी, वो अपने दूसरे चैनल पर आएगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।